राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और टीकाकरण को लेकर मृदुभाषी की टीम ने विशेष चर्चा की। चर्चा में कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कहा कि राजगढ़ जिले में चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। इसके साथ ही बताया कि जिले में अब तक 90% से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया जा चुका है, जबकि द्वितीय डोज अब तक 77% हो चुका है। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप जैन की ये खबर। राजगढ़ में जो चुनाव है वो 3 चरणों में होंगे। पहले चरण के और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कल 13 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है और पहले चरण का चुनाव 6 जनवरी को रहेगा, दूसरे चरण का 28 को और तीसरे चरण का फरवरी माह में होगा। और इस बार के चुनाव में जो सरपंच के और पंच के हैं वो चुनाव वाले दिन ही मतदान स्थल पे होगी और बाकी जनपद का और ज़िला पंचायत के सदस्यों की जो जनगणना है वो ईवीएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पे या विकासखंड मुख्यालय पे की जाएगी। और ज़िले में हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, जिससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और सशक्त हो। राजगढ़ ज़िले में अभी आज की स्थिति में प्रथम डोज 90% के ऊपर लोगों को लगाया जा चुका है। सेकेंड डोज भी करीब करीब 76% 77% लोगों को लग चुका है। जो लोग ड्यू हो चुके हैं, मतलब अर्थात कोवैक्सीन लगाए हुए जिनको 28 दिन हो चुके हैं या कोविडशील्ड लगाए हुए 84 दिन हो चुके हैं, ऐसे ड्यू लोगों में से 90% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। जो शेष लोग अभी बचे हुए हैं उनके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है। जो ड्यू लिस्ट हैं उनको ब्लॉक लेवल के कंट्रोल सेंटर से कॉल करके पता लगाया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ का किस गांव का रहने वाला है। दूसरा, जो संबंधित आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये लोग डोर टू डोर सर्वे करके पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने लोग बचे हुए हैं। और हमारा प्रयास ये है कि 25 दिसंबर के पहले पहले हमारा जितना भी ड्यू है सेकेंड डोज का वो हम पूरा कंप्लीट कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।